चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है, यानी चंद्रमा का लगभग 66% सफर हमारा यान पूरा कर चुका है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में आज यानी 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे प्रवेश करेगा। इसरो ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। आज का दिन इसरो के लिए किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं है। आज एक छोटी सी गलती पिछले 3 सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसीलिए शुक्रवार को इसरो ने कहा था कि चंद्रयान 3 के लिए कल का दिन बेहद जरूरी है। चंद्रयान 3 के सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिनकी वजह से इसको बेहद डराने वाला दिन भी कहा जा रहा है। आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो है चंद्रयान 3 का गलत ऑर्बिट में चले जाना। अगर चंद्रयान की गति थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो वो चांद की कक्षा को छोड़कर गहरे अंतरिक्ष में निकल सकता है। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसीलिए चंद्रयान 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारी 3 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे सही करने में काफी समय, क्षमता और ताकत लगती है। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है, ईंधन कम हो जाता है, ऐसे में मिशन जल्दी खत्म होता है। अगर पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में लापता हो जाता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलने वाले सब एटॉमिक कणों से भी खतरा है। इन कणों को रेडिएशन कहते हैं। एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वो टूटता है। इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं। इससे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। इसके अलावा हमारे सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल स्पेसक्राफ्ट को खराब या खत्म कर सकते हैं। तेज जियोमैग्नेटिक तूफान से स्पेसक्राफ्ट पर नुकसान पहुंचता है। अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डस्ट, इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बुलाते हैं, ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्ष यान खराब भी हो सकता है। लेकिन अंत में आपको खुशी की बात भी बता दे, अगर चंद्रयान 3 आज चांद की ऑर्बिट में नहीं जा पाता तो इसरो ने इसका भी पूरा इंतजाम कर रखा है। अगर ऐसा चंद्रयान नहीं कर पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के पैरोजी यानी 236 किलोमीटर में 230 घंटे में आ जाएगा, यानी करीब 10 दिन के बाद चंद्रयान 3 वापस पृथ्वी की कक्षा में होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये धरती पर वापस आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये धरती पर वापस नहीं आएगा, बल्कि वहां वापस जाएगा जहां से 5वां चक्कर पूरा करने के बाद ये चांद के लिए लंबे हाईवे पर निकला था। इसके बाद इसरो पृथ्वी की 5वीं कक्षा से चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का एक और प्रयास करेगा। साथ ही बता दें, चंद्रयान 3 के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाया गया है, जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलने वाले रेडिएशन और अंतरिक्ष की धूल से इसको बचा लेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और हमें लगता है कि पहली बार में ही यानी आज 5 अगस्त को ही चंद्रयान 3 चांद की पहली कक्षा को पकड़ लेगा। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं और आप सब से भी प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से
आपके सवाल का जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।